हिंदुस्तान में क्रिकेट का क्रेज हर युवाओं में है, फिर चाहे वो युवक हो या युवती, क्रिकेट में दिलचस्पी सभी की होती है। वहीं जब क्रिकेट में करियर बनाने की बात आए तो बहुत कम ही युवाओं को कामयाबी मिल पाती है। ऐसे में बिहार के दरभंगा जिले के छोटे से गांव की रहने वाली बेटी सरिता के संघर्ष की कहानी कुछ ऐसी ही है। सिर पर पिता का साया नहीं है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसके बावजूद सरिता अपने सपने को साकार करने जुनून लिए लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। सरिता के कामयाबी के पीछे उसकी माँ का काफी योगदान है। बिजवाड़ा गांव निवासी सरिता का सिलेक्शन अंडर 19 महिला T20 टीम के लिए हुआ है। 40 सदस्यीय प्रिपरेटरी कैंप में बतौर ऑलराउंडर गेंदबाज सरिता ने टीम में अपनी जगह बनाई है। सरिता के परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। ग्रामीणों ने बताया कि सरिता की प्रैक्टिस के लिए सरिता 15 किलोमीटर ट्रेन से सफर कर कैंप में खेलने जाती थी। उन्होंने कहा कि पिता का साया नहीं होने से अक्सर लड़कियां अपने हौसले की उड़ान नहीं भर पाती है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सरिता ने सारी परेशानियों को मात देते हुए टीम में जगह बनाई है। ये गांव से लेकर पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सरिता की मां रामपरी देवी ने बताया कि सरिता बचपन से ही खेलकूद में खूब दिलचस्पी रखती थी। बेटी को कामयाब होता देख खुशी महसूस कर रही है। वो इस तरह कामयाब होते हुए देश के लिए भी खेलेंगी। रामपरी देवी ने कहा, उसके पिता भोला मांझी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो होते तो बेटी की सफलता पर काफी खुश होते। आपको बता दें कि स्टेट टीम में चयन होने से पहले सरिता यूनिवर्सिटी लेवल पर उपकप्तान भी रह चुकी है। सुजीत ठाकुर ने बताया कि सरिता काफी मेहनती है, उसके खेल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में भी उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अब सरिता स्टेट टीम में खेलेगी, ये पूरे कैंप के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सरिता ने अपने जुनून से सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया है और काम भी हो रहा है। बिहार के गोपालगंज जिले के क्रिकेट खिलाड़ी मुकेश कुमार के संघर्ष की कहानी भी कुछ इस तरह की है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उनके पिता काशीनाथ सिंह ऑटो चलाते थे। मुकेश क्रिकेट खेलते थे तो उनके पिता और चाचा की खूब डांट सुननी पड़ती थी। गोपालगंज जिले के काकरकुंड गांव निवासी मुकेश कुमार बंगाल से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। पहली बार उन्हें इंडिया ए टीम में जगह मिली है। उन्हें न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन कर बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। आपको बता दें कि 4 दिन का डेब्यू मैच 4 सितंबर तक चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। मुकेश के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि वो बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौकीन था। वो गांव की गलियों में ही क्रिकेट खेलने लग जाया करता था। बचपन में क्रिकेट खेलने के जुनून में उसके पिता काशीनाथ सिंह मुकेश को काफी डांट भी सुननी पड़ती थी। वहीं चाचा कृष्णा सिंह भी उसके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे। मुकेश के सिर से पिता का साया तो उठ गया, लेकिन चाचा कृष्णा सिंह आज भी मुकेश के बचपन की बातों को बताते हुए भावुक हो जाते हैं। उनका कहना है कि मुकेश बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है, इसके बावजूद क्रिकेट में नाम रोशन कर सभी लोगों को गौरवान्वित कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से गोविंद की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।